तेरे मन में। नमस्कार दोस्तों, आज होली का दिन है, छोटी होली है, होलिका दहन है और तारीख है आज 7 तारीख, 7 मार्च 2023। तो हम अकेले ही निकल पड़े हैं और बहुत ही धार्मिक स्थल पे जा रहे हैं, भगवान श्री राम की जन्मभूमि यानी कि अयोध्या में जा रहा हूँ और भगवान श्री राम के भजन सुनते हुए जा रहा हूँ, हनुमान जी के भजन सुनते हुए जा रहा हूँ। बहुत ही आनंद का माहौल है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये इस वक्त मैं लखनऊ एक्सप्रेस पे चल रहा हूँ और काफ़ी सुहाना मौसम है और काफ़ी अच्छा आनंद लेते हुए मैं अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर चुका हूँ। इस व्लॉग में मैं आपको आगे बताऊंगा, अयोध्या से आपकी पूरी जानकारी करवाऊंगा। और ये हम शिकोहाबाद और बटेश्वर भाग पहुँचने वाले हैं। दोस्तों, मैं आगरा से दोपहर में 2 बजे निकला था और अब आप देख सकते हैं कि करीब करीब 4 बज गए हैं और मैंने करीब 160 किलोमीटर अपनी गाड़ी चला ली है। ये लखनऊ एक्सप्रेस वे चल रहा है और मैं सीताराम और राम जी के भजन सुनते हुए जा रहा हूँ। आप सुन सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। भगवान राम जी के काफ़ी निकट महसूस कर रहा हूँ खुद को, साथ में हनुमान जी के भजन भी चल रहे हैं। तो जहाँ राम है वहाँ हनुमान है और जहाँ हनुमान है वहाँ राम है। तो मेरी ये यात्रा काफ़ी स्पिरिचुअल होने वाली है और काफ़ी आनंद ले रहा हूँ इस यात्रा का अपनी। जय जय राम श्री राम, जय राम 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 जय जय राम राम सीता राम, सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम दोस्तों, यहाँ पे कन्नौज में एक होल्ट के लिए रुके हैं हम, जैसा कि आप देख सकते हैं रेस्ट रूम है और ये अपनी प्यारी पोलो है। दोस्तों, हम हनुमान गढ़ी मंदिर में हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे भक्तों का कितना उल्लास है, होली खेली जा रही है। अभी जस्ट हनुमान जी की आरती संपन्न हुई है और बहुत ही हमने उसका आनंद लिया है। आपको हनुमान गढ़ी के दर्शन कराता हूँ। Thank you.
पक्षोर ध्वजा विराजे कांडे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंद भेद प्रताप। दोस्तों ये है राम की पैड़ी, बेहद ही खूबसूरत जगह है। आपने देखा होगा दिवाली पर यहाँ पे दीपोत्सव होता है, बहुत ही शानदार जगह है। यह है राम की पैड़ी, बहुत ही सुंदर जगह है। जो भी अयोध्या आते हैं यहाँ पे ज़रूर आते हैं, और शाम के वक्त यहाँ का नज़ारा ही बहुत मनमोहक होता है। दोस्तों हम नहा धो के निकल लिए हैं और अब रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। हम अपने होटल से निकल लिए हैं, मेरे अपना होटल, और रामलला के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। जय श्री राम। ये होली के हुड़दंग से बचने के लिए मास्क लगाया है, यहाँ पे होली चल रही है और मैं रामलला के दर्शन के लिए जा रहा हूँ, भगवान श्री राम की श्रद्धा मन में लिए हुए। रामलला जी के दर्शन करके मैं आ गया हूँ, वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था तो वो लॉकर में जमा हो गया था। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, कम भीड़ थी और मैं काफ़ी देर तक रामलला जी के सामने खड़ा रहा। जो राम का परिवार है भरत लक्ष्मण, उन सब के सामने मैं खड़ा रहा और उनके अच्छे से दर्शन किए, हनुमान चालीसा पढ़ी, रामायण की चौपाई पढ़ी और काफ़ी आनंद आया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। कनक महल के दर्शन करते हुए हम, ये कैकई जी ने सीता माँ को शादी में तोहफा दिया था, इसमें ही सीता माँ रहती थी राम जी के साथ। काफ़ी भव्य और काफ़ी सुंदर मंदिर है ये, आप देख सकते हैं, काफ़ी शांति है यहाँ पे। हनुमानगढ़ी मंदिर में हम तो दोबारा आए हैं होली के उपलक्ष्य पे, कल भी आए थे, आज रामलला के भी दर्शन कर लिए और हनुमानगढ़ी मंदिर में दोबारा आए। आप देख सकते हैं काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, करीब 76 सीढ़ियाँ आई और मंदिर में प्रवेश करते हुए आज दोबारा हनुमानगढ़ी जी के दर्शन करेंगे।